नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एफसी गोवा वर्सेस पर्सेपोलिस मैच से जुड़ी सारी डिटेल्स के बारे में। हम इस वीडियो में बात करेंगे एफसी गोवा का पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकता है पर्सेपोलिस के अगेंस्ट में, और क्या सच में एफसी गोवा पर्सेपोलिस को हरा पाएगी अपने एएफसी चैंपियंस लीग के तीसरे मैच में। तो पहले दो मैचेस में तो एफसी गोवा ने सभी को चौंकाते हुए ड्रॉ खेला और दो पॉइंट अर्जित किए, और ग्रुप ई में दोस्तों अभी दूसरे पायदान पर है और पर्सेपोलिस अभी नंबर वन पर है। तो दोस्तों इस मैच को लेकर मैं फुल डिटेल्स में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बात करने से पहले मैं आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों एफसी चैंपियंस लीग 2021 के ग्रुप ई में है दोस्तों एफसी गोवा, जैसे कि हम सभी को पता है। तो एफसी गोवा ने अपने पहले दो मैचेस में सभी को चौंकाया और अल रायान और अल वादा जैसी बड़ी टीमों को दोस्तों शून्य के स्कोर पर रोक दिया, जिसके कारण एफसी गोवा दोनों मैचेस में एक एक अंक अर्जित करने में कामयाब रही, जिसके कारण अभी फिलहाल एफसी गोवा ग्रुप ई के दूसरे नंबर पे है और पर्सेपोलिस अभी नंबर वन पे है। तो दोस्तों पर्सेपोलिस ईरान की सबसे बड़ी क्लब है और पर्सेपोलिस ईरान की हर एक लीग जीत चुकी है दोस्तों। तो पर्सेपोलिस ग्रुप ई की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है। तो पर्सेपोलिस के अगेंस्ट एफसी गोवा का मुकाबला ज़रा सा भी आसान नहीं होने वाला है। जैसे एफसी गोवा ने अल वादा और अल रायान को रोका, लेकिन दोस्तों यहां पर पर्सेपोलिस इन दोनों टीमों से यानी कि दोस्तों अल वादा और अल रायान से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है। हम देख सकते हैं दोस्तों ग्रुप ई के पॉइंट्स टेबल के नंबर वन पोजिशन पर है पर्सेपोलिस दोनों मैचेस जीत के। तो अब पर्सेपोलिस का मुकाबला ग्रुप ई के सबसे वीक टीम के साथ है एफसी गोवा के साथ, लेकिन दोस्तों एफसी गोवा ने जैसे अपने दोनों मैचेस खेले हैं, अपने पिछले दोनों मैचेस में प्रदर्शन जैसा दिखाया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि एफसी गोवा वीक टीम है। डिफेंस के समय में डिफेंस कर रही थी और अटैक के समय में अटैक भी कर रही थी, और ऐसा नहीं है कि पासिंग फुटबॉल नहीं खेल रही थी, बहुत सारे पासिंग फुटबॉल भी खेल रहे थे दोस्तों एफसी गोवा के सारे प्लेयर्स। तो अल रायान और अल वादा को तो एफसी गोवा ने रोक दिया, तो क्या पर्सेपोलिस को एफसी गोवा रोक पाएगा या फिर यहां से तीन पॉइंट लेके जा पाएगा? तो मुझे लगता है दोस्तों अगर एफसी गोवा ऐसे ही प्रदर्शन करते रहे जैसा अल रायान और अल वादा के मैच में किया था, तो मुझे लगता है यहां पर पर्सेपोलिस को एफसी गोवा टक्कर दे पाएगी, क्योंकि दोस्तों एफसी गोवा के लिए हारने का कुछ भी नहीं है। वो जानते हैं कि हम ग्रुप ई के सबसे वीक टीम है, लेकिन वो फाइट देना जानते हैं। एरुबेडिया ने भी ऐसा इंस्टाग्राम स्टोरी पे दिया था दोस्तों कि हमने फाइट दिया है, हम जानते हैं कि हम ग्रुप ई के सबसे वीक टीम है लेकिन हमने फाइट दिया है। तो इससे पता चलता है दोस्तों कि एफसी गोवा के सारे प्लेयरों में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, और एफसी गोवा ऐसे ही खेलती रही तो मुझे लगता है दोस्तों तीन पॉइंट भी एफसी गोवा पर्सेपोलिस के अगेंस्ट ले पाएगी, क्योंकि दोस्तों पर्सेपोलिस समझ रही होगी एफसी गोवा वीक टीम है। लेकिन दोस्तों पर्सेपोलिस ने भी दो मैचेस में एफसी गोवा को देखा होगा उनके कोच ने, तो पर्सेपोलिस भी यहां से तीन पॉइंट लेना चाहेगी और एफसी गोवा चाहेगी इस मैच में अच्छा प्रदर्शन करना और सभी को चौंकाते हुए फिर से एक अच्छा रिजल्ट करना। तो मुझे लगता है दोस्तों एफसी गोवा इस मैच में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जैसा कि दोस्तों एफसी गोवा ने पिछले दो मैचेस से किया है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों एफसी गोवा का गेम प्लान क्या हो सकता है। तो दोस्तों युआन फिरांडो जो है 4-1-4 पोजीशन में अपने प्लेयरों को खिलाते हैं दोस्तों, और बीच बीच में 4-2-3-1 भी हो जाता है एफसी गोवा का लाइनअप। तो दोस्तों एफसी गोवा के प्लेइंग 11 में कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों एक चेंज युआन फिरांडो अगर चाहे तो वो कर सकते हैं। वह दोस्तों ईशान पंडिता को चेंज कर सकते हैं, मारगांवकर को ला सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ईशान पंडिता का प्रदर्शन पिछले दोनों मैच में उतना भी ज़्यादा खास नहीं रहा। तो युआन फिरांडो हो सकता है कि ईशान पंडिता को बेंच पे बिठा दे और मारगांवकर को एज अ सेंट्रल फॉरवर्ड खिलाए, क्योंकि दोस्तों अल वादा मैच के अगेंस्ट में मारगांवकर के आने के बाद बहुत ज़्यादा अटैक बन रहा था, और मुझे लग रहा है मारगांवकर खेल सकते हैं अगर युआन फिरांडो चाहे तो। तो और युआन फिरांडो दोस्तों बहुत ज़्यादा सिंपल स्ट्रैटेजी रखते हैं कि पासिंग फुटबॉल खेलो, अपने पास बॉल पोजिशन ज़्यादा से ज़्यादा रखो। ऐसा हमने देखा है दोस्तों कि पास एक्यूरेसी एफसी गोवा का बहुत ज़्यादा शानदार रहता है, और
काउंटर अटैक में युआन फिरांडो खिला रहे हैं दोस्तों पिछले दोनों मैचेस से। और इस मैच में भी दोस्तों एफसी गोवा अपने नेट में पासिंग फुटबॉल खेलते हुए दिखेगी और काउंटर अटैक में अगर मौका मिला तो चांस बनाएगी, और ऐसा करना सही भी है क्योंकि दोस्तों पर्सेपोलिस गोल करने के लिए अपनी पूरी टीम को ऊपर उठाएंगे, प्रेस करेंगे और उसके बाद एफसी गोवा के पास मौका रहेगा दोस्तों कि काउंटर अटैक करे और गोल मारे। तो दोस्तों एफसी गोवा के दोनों मैचेस में हमने देखा है कि एफसी गोवा अटैक तो बहुत ज़्यादा डेंजरस बना रही है, लेकिन दोस्तों डी बॉक्स के पास पहुंचने के बाद एफसी गोवा फिनिश नहीं कर पा रही है। और अगर इगोर एंगोलो यहां पर एफसी गोवा की टीम में होते और मैच खेल रहे होते तो मुझे लगता है दोस्तों अल वादा एफसी या फिर अल रयान के विरुद्ध एफसी गोवा 3 पॉइंट भी ले सकती थी। लेकिन दोस्तों ईशान पंडिता के ऊपर जैसा उम्मीद लगा के बैठे हुए थे युआन फिरांडो, ईशान पंडिता वैसा उम्मीद पे खरा नहीं उतर पाए। तो इगोर एंगुलो तो अभी है नहीं टीम में, तो अभी ईशान पंडिता, जॉर्ज ऑर्टिज और ब्रेंडन फर्नांडेस के ऊपर ही युआन फिरांडो को भरोसा रखना पड़ेगा और उनसे गोल की उम्मीद रखनी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों पहले एफसी चैंपियंस लीग शुरू होने से पहले दोस्तों हमने उम्मीद नहीं रखा था कि एफसी गोवा किसी भी मैच में पॉइंट लेगी या फिर गोल मारेगी, लेकिन दोस्तों एफसी गोवा ने पिछले 2 मैचेस में अच्छा प्रदर्शन किया है। तो इस मैच में भी दोस्तों एफसी गोवा को अच्छा प्रदर्शन करना होगा और गोल मारना होगा, और ऐसे करने के लिए जॉर्ज ऑर्टिज को थोड़ा सा अनसेल्फिश गेम खेलना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों अलवादा एफसी के मैच के विरुद्ध हमने देखा है जॉर्ज ऑर्टिज अगर वहां पर पास देते किसी को तो वहां गोल हो सकता था, लेकिन दोस्तों वहां पर अकेले ही शॉट लेने गए जिसके कारण एफसी गोवा ने अच्छा काउंटर अटैक गवा दिया था। और बहुत सारे ऐसे मौके मिले जहां पर जॉर्ज ऑर्टिज पास नहीं दे रहे थे किसी को, तो वहां पर जॉर्ज ऑर्टिज को समझना पड़ेगा, पास छोड़ना पड़ेगा किसी प्लेयर के लिए ताकि वहां से गोल आने का चांस सबसे ज़्यादा रहे। तो दोस्तों यहाँ पर एफसी गोवा अगर काम करेगी तो मुझे लगता है पर्सेपोलिस को वैसे ही फाइट देगी जैसे अलवादा और अल रयान के मैच के विरुद्ध में। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों ग्लेन मार्टिन के इंजरी के बारे में। तो दोस्तों अलवादा एफसी के मैच में दोस्तों ग्लेन मार्टिन को थोड़ा सा इंजरी हुआ था, और मैच जैसे ही ख़त्म हुआ, मैच तो उन्होंने पूरा खेला लेकिन मैच जैसे ही ख़त्म हुआ वो लंगड़ाते हुए जा रहे थे, हमने देखा था। तो दोस्तों अपडेट था कि ग्लेन मार्टिन को बहुत ज़्यादा गहरा इंजरी हुआ है, लेकिन दोस्तों अपडेट आ चुका है ग्लेन मार्टिन बिल्कुल फिट है, वो इंजरी में नहीं है और पर्सेपोलिस के विरुद्ध वो ज़रूर खेलेंगे। तो चलिए दोस्तों फिलहाल ये वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। तो चलिए दोस्तों अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।